नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा भारत और बांग्लादेश के बीच में हुए फेनी नदी समझौते के बारे में। एक एमओयू साइन हुआ है भारत और बांग्लादेश के बीच में। तो भारत बांग्लादेश के बीच में कई नदियाँ हैं, लगभग 50 से भी ज़्यादा नदियाँ हैं, लेकिन वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट अभी तक केवल दो हुए हैं। ये केवल दूसरा है हमारे 50 साल के इतिहास में, लगभग 50 ईयर्स के भारत और बांग्लादेश के संबंधों के इतिहास में। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है राठौड़.महिपाल, इस नाम से फेसबुक पेज है और आपको मेरे सभी वीडियोस की अपडेट्स यहां पर मिल जाएंगी। लेकिन अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप इसे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। स्टडी आईक्यू का पेनड्राइव कोर्स सिविल सेवा परीक्षा 2020 के लिए उपलब्ध है। इस कोर्स की मदद से आप घर बैठकर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी और साथ ही साथ आर्ट एंड कल्चर जैसे जो टॉपिक्स हैं वो सभी मेरे द्वारा पढ़ाए गए हैं। तो अगर आप मुझसे पूरी इंडिया की हिस्ट्री जानना चाहते हैं किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए और खास करके IAS के लिए, तो आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं हमारी वेबसाइट studyiq.com पर। तो ये अभी रिसेंटली न्यूज़ आई थी 6 नवंबर को कि कैबिनेट ने, भाई यानी कि भारत सरकार की कैबिनेट ने भारत और बांग्लादेश के बीच में एक MOU को एग्री कर दिया है। तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है भारत और बांग्लादेश के बीच में, जिससे कि भारत फेनी नदी से पानी को विड्रॉ कर सकता है। तो ये भारत के पक्ष में है, यहाँ पर बांग्लादेश के बारे में कोई बात नहीं करी गई है। केवल समझौता इतना है कि भारत कुछ फिक्स अमाउंट ऑफ वाटर इस नदी से निकाल सकता है अपनी ज़रूरत के लिए। तो सबसे पहले जानेंगे फेनी नदी के बारे में। ये नदी भारत से शुरू होकर बांग्लादेश में जाकर और बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। तो ये एक ट्रांस बाउंड्री नदी है, यानी कि दो देशों से होते हुए बहती है, एक देश से दूसरे देश में जाती है, भारत से बांग्लादेश में। इसका ओरिजिन होता है साउथ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट में और सबरूम नाम के एक महत्वपूर्ण टाउन से होते हुए ये बांग्लादेश में एंटर कर जाती है। सबरूम बॉर्डर टाउन है, बिल्कुल बॉर्डर पर स्थित है और वहाँ से आगे बॉर्डर क्रॉस करके जस्ट सामने की तरफ है रामगढ़ नाम का एक कस्बा जो बांग्लादेश में आता है। रामगढ़ बांग्लादेश में है। तो खास बात यह है कि ये नदी सबरूम और रामगढ़ तक नेविगेबल है और 80 किलोमीटर आगे जाके ये बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में समुद्र से मिल जाती है। तो ये है हमारा भारत देश और इसमें उत्तर पूर्व में अगर हम जाते हैं तो हमें उत्तर पूर्व में त्रिपुरा राज्य की लोकेशन आपको एग्जैक्टली पता होनी चाहिए। तो त्रिपुरा राज्य तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये इसकी बाउंड्री है, तीनों साइड से ये बांग्लादेश से घिरा हुआ है। और इसके बिल्कुल दक्षिणी छोर पर जहाँ पर ये रेड कलर का आपको मार्कर दिख रहा है, यहाँ पर स्थित है सबरूम कस्बा और सबरूम से ये फेनी नदी होते हुए जाती है बांग्लादेश में और बांग्लादेश में इस जगह पर ये बंगाल की खाड़ी में समा जाती है। और खास बात यह है कि सबरूम से केवल 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है चितगोंग। चितगोंग बांग्लादेश का सबसे बड़ा पोर्ट है और ब्रिटिश कालीन समय में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट टाउन था इंडिया के लिए भी, और आज़ादी के बाद ये ईस्ट पाकिस्तान में चला गया और अब ये बांग्लादेश में स्थित है। तो चितगोंग से सबरूम की दूरी केवल 70-75 किलोमीटर जितनी है, अप्रॉक्सीमेटली 70 किलोमीटर्स है। लेकिन त्रिपुरा एक लैंडलॉक्ड स्टेट बन चुका है क्योंकि आज़ादी के बाद बंटवारा जब हुआ तब त्रिपुरा भारत में है और उसके बाद चितगोंग चला गया ईस्ट पाकिस्तान में और अब बांग्लादेश में। तो आप देख सकते हैं कि जो ये इलाका है दक्षिणी त्रिपुरा का, ये पूरी तरह से लैंडलॉक्ड है। यहाँ से कोलकाता हार्डली 480 किलोमीटर दूर है, लगभग 500 किलोमीटर दूर है। लेकिन अभी अगर सबरूम से किसी को कोलकाता जाना है तो उसे 1600 किलोमीटर की यात्रा करके जाना पड़ता है। तो इसीलिए अब भारत सरकार कई सालों से कोशिश कर रही है कि इकोनॉमिक कॉरिडोर्स डेवलप किए जाएं, ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर्स डेवलप किए जाएं, और इसी कड़ी में ये समझौता भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो देखिए, सबरूम से चितगोंग की दूरी ज़्यादा नहीं है, केवल 70 किलोमीटर्स है और फेनी नदी जो है वो यहाँ पर बह रही है। अगर आप ये नदी ट्रेस कर पा रहे हैं तो ये जो जगह, ये जो लाइन जा रही है, ये फेनी नदी है, ठीक है। तो ये फेनी नदी अप टू सबरूम, अप टू रामगढ़ नेविगेबल है। छोटी बोट से इसमें आराम से सामान लेकर आया जा सकता है इस जगह से, समुद्र से सबरूम तक, यानी दक्षिणी त्रिपुरा तक। इस मैप में आप नदी को ट्रेस किया हुआ देख सकते हैं, जो मैप मैंने आपको बताया उसमें अगर नदी क्लियर नहीं थी तो आप यहाँ पर आराम से नदी को देख सकते हैं। यहाँ पर सबरूम कस्बा स्थित है और सबरूम के पास में ही है बांग्लादेश का रामगढ़, और रामगढ़ और सबरूम के बीच में अब एक ब्रिज भी बनने वाला है। तो ये सबरूम की लोकेशन है त्रिपुरा में, ये त्रिपुरा राज्य का मैप है और त्रिपुरा राज्य में बिल्कुल दक्षिणी छोर पर स्थित है। तो इस समझौते के तहत भारत 1.82 क्यूबिक फीट पर सेकंड पानी ले सकता है फेनी नदी से, और ये पानी स्पेसिफिकली समझौते में ये तय हुआ है कि सबरूम टाउन के लिए लिया जाएगा। जो सबरूम कस्बा है वहाँ पर पीने के पानी की काफ़ी समस्या है और अब ये समस्या नहीं रहेगी क्योंकि भारत सरकार ने बांग्लादेश के साथ ये ऑफिशियली समझौता कर लिया है कि हम यहाँ से 1.82 क्यूसेक्स पानी विड्रॉ करेंगे। तो सबरूम कस्बे के 7,000 लोग जिन्हें पीने के पानी की इस वक्त तकलीफ है, उनके लिए ये काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा।
और ये समझौता एक्स पोस्ट फैक्टो है, यानी कि अक्टूबर 5 से ही लागू हो जाएगा, क्योंकि 5 अक्टूबर को बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत आई थी और उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ये समझौता 5 अक्टूबर को ही साइन कर लिया था, लेकिन भारत की कैबिनेट ने इसे अप्रूवल अभी दिया है एक महीने बाद, तो ये 5 अक्टूबर से समझौता वैसे लागू हो जाएगा। तो इस समझौते की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है? देखिए, भारत और बांग्लादेश के बीच में 54 नदियां हैं जो ट्रांसबाउंड्री हैं, भारत से ओरिजिनेट होकर बांग्लादेश में जाती हैं, लेकिन आज दिन तक हम केवल एक नदी को लेकर समझौता कर पाए हैं बांग्लादेश के साथ, और वो है गंगा नदी। तो दिसंबर 96 में ये समझौता हुआ था, उसके अलावा कोई वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट किसी भी नदी पर नहीं है। फेनी के लिए भी पहले कोशिश करी गई थी लेकिन कोई भी समझौता हो नहीं पाया था। तीस्ता के लिए भी करी गई थी लेकिन तीस्ता का समझौता भी नहीं हो पाया था। तो हमने सबसे पहले इस फेनी नदी के पानी को लेकर 1958 में तत्कालीन ईस्ट पाकिस्तान की सरकार से बातचीत शुरू करी थी और पाकिस्तान से डिस्कशन शुरू हो गए थे, लेकिन ये पूरे नहीं हो पाए। और उसके बाद बांग्लादेश 1971 में एक आज़ाद देश बनता है, लेकिन बांग्लादेश के साथ भी ये समझौता नहीं हो पाया। तो इस नदी को लेकर एक डिस्प्यूट तो था ही, और बांग्लादेश काफ़ी समय से ये कह रहा था कि फेनी नदी का पानी इल्लीगली जो भारत के किसान हैं वो उसका पानी यूज़ कर रहे हैं, उसमें मोटर्स डाल के, पंप्स डाल के, और पहले से ही उसका पानी काफ़ी कम कर देते हैं। तो अब इस समझौते से फ़ायदा क्या है? देखो, सबसे बड़ा फ़ायदा सबरूम शहर को होगा, क्योंकि ये दक्षिणी त्रिपुरा पर एकदम छोर पर स्थित है, बॉर्डर पर स्थित है। यहाँ पे जो करंट ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई है वो नाकाफ़ी है, और साथ ही साथ जो अंडरग्राउंड वाटर है उसमें आयरन कंटेंट बहुत ज़्यादा है, पानी में लोहे की मात्रा ज़्यादा है, इसलिए वो पीने के लिए फिट नहीं है। इसीलिए नदी के पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो इससे 7,000 आबादी वाले इस कस्बे को काफ़ी फायदा होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो 7,000 की आबादी का एक कस्बा है, इससे इतना क्या फ़र्क पड़ गया? ऐसा नहीं है। इस कस्बे का डेवलपमेंट होगा जब पीने का पानी आएगा, इस कस्बे का ज़्यादा डेवलपमेंट होगा तो ये ट्रांसपोर्ट हब की तरह बनेगा। और वो कैसे होगा? भारत एक ब्रिज बना रहा है जो कि सबरूम और रामगढ़ को जोड़ देगा, यानी फेनी नदी के ऊपर से ये ब्रिज बन रहा है जो भारत और बांग्लादेश को जोड़ देगा। 2015 में इस ब्रिज का इनॉग्रेशन हो गया था, काम चालू हो गया था, और 2020 तक उम्मीद करी जा रही है। तो ये वो ब्रिज है, आप देख ही सकते हैं कि बन तो चुका है, इसका ढांचा तैयार है बनकर, लेकिन अभी काम पूरा नहीं हुआ है। तो ये जो ब्रिज है ये 2020 तक, मार्च 2020 इसकी टारगेट है कि होना हो जाना चाहिए, और ये त्रिपुरा को कनेक्ट कर देगा चित्तगोंग पोर्ट के साथ। ये इसकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो चित्तगोंग जो केवल 70 किलोमीटर दूर है हमारे बॉर्डर से, हमारे सबरूम कस्बे से, तो चित्तगोंग पोर्ट से जुड़कर त्रिपुरा को ट्रांसपोर्टेशन एक्सेस मिलेगा, और ये एक इकोनॉमिक और ट्रांसपोर्ट हब बना देगा इस दक्षिणी त्रिपुरा के छोटे से कस्बे को। तो सबरूम की ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है कि ये नॉर्थ ईस्ट के लिए एक बहुत बड़ा ट्रांसपोर्ट हब बन सकता है, ट्रांजिट हब बन सकता है। साथ ही साथ जो भारत चाइना और म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर बनने वाला है, BCIM कॉरिडोर जिसे हम कहते हैं, इस इकोनॉमिक कॉरिडोर में भी सबरूम की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहेगी, क्योंकि यहाँ के थ्रू, सबरूम के थ्रू, आप त्रिपुरा, नागालैंड, सिलचर वाला एरिया असम का, और साथ ही साथ मिजोरम, इन सभी एरियाज तक ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सबरूम में 2019 में ही रेलवे लाइन भी पहुंच चुकी है, तो अब वहां पर रेलवे लाइन भी है, और इसी रेलवे लाइन से आगे ट्रांसपोर्ट आसानी से किया जा सकता है कुछ भी। और भारत का ये प्लान है कि वहां पर एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया जाएगा सबरूम में, और इस स्पेशल इकोनॉमिक जोन में रबर बेस्ड इंडस्ट्रीज लगाई जाएंगी, जैसे टायर्स बनाने की इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल, अपैरल इंडस्ट्री, बैम्बू इंडस्ट्रीज और फार्म बेस्ड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। इंडस्ट्रीज नॉर्थ ईस्ट में इस वक्त ना के बराबर है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कि वहाँ पर इंडस्ट्रीज नहीं है। अगर इंडस्ट्री आती है तो इंडस्ट्री को भी पानी चाहिए, और ये जो फेनी नदी का पानी है ये अगेन इस इंडस्ट्रीज में भी काम में आएगा। लेकिन इसको लेकर बांग्लादेश के कुछ तबकों में कुछ चिंताएँ हैं, और कुछ हद तक वो जायज़ भी हैं। बांग्लादेश के जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये मानना है कि भारत अगर ज़्यादा पानी विड्रॉ करता है तो डाउन रिवर, जो फेनी नदी जब बांग्लादेश में एंटर करती है तो वहाँ पे उनका एक छोटा सा इरिगेशन प्रोजेक्ट है जो वहाँ के आसपास के खेतों को, लगभग 250 हेक्टेयर ज़मीन है उसको इरिगेशन प्रोवाइड करता है, उस पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है। तो अगर भारत फेनी नदी का पानी ज़्यादा यूज़ करने लग जाए तो डाउन स्ट्रीम सूखा पड़ सकता है, और उससे बांग्लादेश का जो, बांग्लादेश की जो खेती है उस पर असर पड़ेगा। और अभी एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि पहले से ही भारत में कई किसान इस तरह के इलीगल पंप्स लगाकर फेनी नदी से पानी डायरेक्टली विड्रॉ कर रहे हैं, जबकि वो अलाउड नहीं है, फिर भी डायरेक्टली उसे विड्रॉ किया जा रहा है। उसके ऊपर से ये 1.82 क्यूसेक्स अगर आप और दे देंगे तो इससे बांग्लादेश का नुकसान है। तो बांग्लादेश की ऑपोजिशन पार्टीज मेनली ये बातें कह रही है, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स हैं जो वाटर एक्सपर्ट्स हैं वो भी कह रहे हैं। उन्होंने एग्जाम्पल दिया है फरक्का बैराज का, तो फरक्का का केस अभी आपको आगे बताऊंगा इसी लेक्चर में। फिर एक इकोलॉजिकल कंसर्न भी है कि अगर भारत यहाँ पर सेज खोलता है तो आप जानते ही हैं इंडस्ट्रीज़ के लिए
रबर इंडस्ट्रीज के लिए पानी की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, तो इससे पैटर्न ऑफ वाटर यूज चेंज हो जाएगा और इतना ज्यादा पानी इस नदी में है नहीं। ये नदी इतनी बड़ी नहीं है जितनी तीस्ता या गंगा, इन नदियों के कंपैरिजन में काफ़ी छोटी नदी है, तो इसीलिए फेनी नदी का जो पानी है वो पीने के लिए तो काफ़ी है, लेकिन इंडस्ट्रीज जब वहाँ लगेगी तो इसका सिग्निफिकेंट इकोलॉजिकल इम्पैक्ट आएगा और ये एक बहुत बड़ी चिंता है दोनों तरफ, भारत और बांग्लादेश दोनों के इकोलॉजिकल एक्सपर्ट्स ने ये कंसर्न्स जताए हैं। फिर इसको लेकर कुछ पॉलिटिक्स भी हो रही है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में अभी हाल ही में एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट का मर्डर हो गया था पिछले महीने। अबरार फहद नाम के इस यूनिवर्सिटी स्टूडेंट ने एक फेसबुक पोस्ट डाली थी सरकार के खिलाफ, शेख हसीना सरकार के खिलाफ। शेख हसीना की जो पार्टी है उसका नाम है अवामी लीग और उसका जो स्टूडेंट विंग है उसका नाम है बांग्लादेश छात्र लीग। तो अवामी लीग सरकार और प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ उन्होंने एक पोस्ट डाला था इस स्टूडेंट ने, और उसमें ये कहा गया था कि बांग्लादेश अपना पानी भारत को दे रहा है, फ्री में दे रहा है, हमारे हितों का ध्यान नहीं रख रही है सरकार। इस तरह की एक पॉलिटिकल पोस्ट थी जो कि काफ़ी नॉर्मल है, लेकिन इस व्यक्ति का, इस स्टूडेंट का छात्र लीग के लोगों ने खून कर दिया। ऐसा एलेजेड है कि जो बांग्लादेश छात्र लीग है यानी कि सरकार से एफिलिएटेड बांग्लादेश छात्र लीग के स्टूडेंट्स ने उस छात्र का मर्डर कर दिया कैंपस में, और इसके कारण बांग्लादेश में अभी पॉलिटिक्स गरमाई हुई है। लोग सड़कों पर प्रदर्शन भी कर रहे हैं, स्टूडेंट्स प्रदर्शन कर रहे हैं कि सरकार इसके खिलाफ कुछ कदम उठाए। आप सभी के लिए यहाँ पर एक सवाल है, आपको मुझे बांग्लादेश में ऑपोजिशन पार्टी का नाम बताना है। बांग्लादेश में ऑपोजिशन पार्टी का नाम क्या है और उसकी लीडर का नाम क्या है, बिना गूगल किए बताइएगा। फिर तीस्ता और फरक्का का भी हवाला दिया जा रहा है। देखिए, तीस्ता पर समझौता करने की कोशिश कई सालों से चल रही है। 2011 में जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तब ऑलमोस्ट समझौता हो गया था, लेकिन ममता बनर्जी उस समझौते के खिलाफ थी। उन्होंने कहा था कि पश्चिम बंगाल का हित इसमें नहीं देखा जा रहा है। ऑलमोस्ट समझौता हो गया था लेकिन फिर डील नहीं हो पाई थी, क्योंकि भारत में जो स्टेट्स हैं उनका भी अधिकार है पानी पर, उनका भी कानून बनाने का वहाँ पर हक है। तो ममता बनर्जी केंद्र सरकार के साथ शामिल नहीं हुई इस समझौते में और इसीलिए ये समझौता नहीं हो पाया था। फिर जब 2014 में प्रधानमंत्री मोदी सत्ता में आए थे और बांग्लादेश का दौरा भी किया था उन्होंने 2015 में, तब उन्होंने कहा था कि ये तीस्ता समझौता हम करवा देंगे जल्द से जल्द, लेकिन अभी भी बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सरकार केंद्र सरकार के साथ नहीं है, इस डील के फेवर में नहीं है। तो तीस्ता समझौता पिछले 10 सालों से हो नहीं पाया है। फिर एक बहुत बड़ा इशू है फरक्का बैराज का। फरक्का गंगा नदी पे एक बहुत बड़ा बैराज है जो भारत ने कंस्ट्रक्ट किया था ताकि हुगली नदी में पानी रहे, सारा पानी बांग्लादेश में ना चला जाए, लेकिन इससे बांग्लादेश में कभी कभी सूखा भी पड़ जाता है, क्योंकि जब भारत यहाँ पे पानी रोक लेता है, जब सूखे की स्थिति है, बारिश कम है, तो ज़्यादातर पानी भारत डाइवर्ट कर देता है हुगली की तरफ, और पद्मा नदी जो नाम चेंज हो जाता है गंगा का बांग्लादेश में जाकर, तो पद्मा का जो डेल्टा है वो काफ़ी ड्राई हो जाता है, तो इसके कारण इकोलॉजिकल नुकसान हो रहा है बांग्लादेश का। तो ये दोनों एग्जाम्पल साइट किए जा रहे हैं इकोलॉजिकल एक्सपर्ट्स द्वारा कि कहीं ऐसा ना हो जाए। लेकिन देखिए, अभी हमें तो आगे ही बढ़ना होगा। तो भारत और बांग्लादेश सरकार 6 नदियों पर और बातचीत कर रही है। इनफैक्ट अगस्त 2019 में एक जॉइंट रिवर कमीशन की बैठक हुई थी दोनों देशों के बीच में, और ये तय किया गया था कि इन 7 नदियों पर वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट्स बनाए जाएंगे और डेटा एक दूसरे से शेयर किया जाएगा। तो इनमें से फेनी नदी पे तो MOU हो चुका है, और आने वाले समय में इन 6 नदियों पर भी आपको शायद समझौते देखने को मिल सकते हैं। ये उन 6 नदियों के नाम हैं। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।